नमस्कार साथियों, एमएस वर्ड की इस सीरीज के अंतर्गत हम आज देखते हैं लोगो डिज़ाइन करना। अभी तक हमने सभी मेन्यू ऑप्शंस को देखा और प्रत्येक मेन्यू ऑप्शंस को समझा, जिसके अंतर्गत हम होम से लेकर के चले और व्यू एंड रिव्यू को हमने कंप्लीट किया। अब हम बीच बीच में आपको कुछ वीडियोस के प्रैक्टिकल बेस देते रहेंगे, जिस पर आपको वर्क करने का कुछ प्रैक्टिकल बेस मिल सके। तो चलिए आज हम देखते हैं लोगो डिज़ाइन करना कि हम अपने संस्थान का एक लोगो किस प्रकार डिज़ाइन करें। हालांकि वर्तमान समय ग्राफिकल और एडवांस ग्राफिक्स का है और उसमें खासतौर पर कॉरल जैसे एप्लीकेशन प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यदि हम कॉरल पर कमांड नहीं रख पाते हैं और एमएस वर्ड के माध्यम से ही हम लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो अभी तक जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार पहले पुराने वीडियोस देखें, ताकि आपके लिए आने वाली जो वीडियोस हैं वो और ईजी हो जाए और उनको आप आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें लोगो डिज़ाइन की, तो लोगो क्रिएशन के लिए हमें कुछ टूल की आवश्यकता होगी और उनको हम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पर जाते हैं। यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन है और इसमें मैं इंसर्ट मेन्यू टैब के अंतर्गत हूँ, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हमें मिलते हैं शेप, ऑटो शेप इन्हें कहते हैं, और इस शेप के अंतर्गत विभिन्न डिजाइन स्टाइल के शेप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप जिस प्रकार का भी लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम एक सिंपली लोगो लेते हैं, इसके लिए मैं 24 पॉइंट्स स्टार वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये हमने क्रिएट किया। जैसे आप इसे क्रिएट करेंगे तो इससे स्टार से रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये सारे कलर्स इसके आ गए, इसके शेप स्टाइल डिज़ाइनिंग सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। इसे आप डायरेक्टली चेंज भी कर पाएंगे और इनकी पूरी जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। यहाँ पर ये हमने एक स्टार यहाँ पर ऐड किया है, इसका साइज बढ़ाने के लिए शेप इसमें दिया है, जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज करते हैं। डबल स्टिक यदि इसका लेना है तो हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और जैसा हम चाहें इसको लिस्टिक के तौर पर सेट कर सकते हैं। हम मूव करते हैं, हल्का सा छोड़ा इधर से करेंगे। ये देखिए डबल लाइन आपको यहाँ पे लग रही होगी, और फर्स्ट को सिलेक्ट कर आप चाहें तो डबल शेडो कलर में भी इसको ले सकते हैं। इसका कलर और भी कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर निर्धारित करना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर लेआउट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं इंसर्ट के अंतर्गत थर्ड शेप से, और हम यहाँ पर उसका एक डिज़ाइन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये वाला मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर हमने क्रिएट किया है और यहाँ पर भी इसको शेप निर्धारित करने के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके आधार पर आप इनको मैनेज कर सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा इसको करते हैं, यहाँ पर ये जैसा आप देख पा रहे हैं सेट हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आपको अपना संस्था का नाम, एड्रेस, एनी जो भी देना हो वो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि आपको राउंड में, सर्कल में यहाँ पर कोई नाम देना है तो वहाँ भी दे सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में वर्ड आर्ट में जाते हैं, ये वर्ड आर्ट हम लेते हैं और वर्ड आर्ट का ये शेप हम लेते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल 3 हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी
नाम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ गवर्नमेंट टीजीटी कॉलेज भोपाल, मैंने असाइन किया। यहाँ पर इसका फॉन्ट वगैरह आप निर्धारित कर सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट डिजाइन करना चाहते हैं। ओके करें। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आर्ट लिया है ये इसके बैक में आ रहा है। तो पहले आप इसका वार्पिंग सेट करें, वार्पिंग इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर हम वार्पिंग पे कर देते हैं इन फ्रंट। जैसे इन फ्रंट करेंगे तो एक तो पहली चीज़ की ये इसके ऊपर आ चुका है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनलाइन में जब रहता है तो इसको मैनेज करने की सुविधा देता है। अब आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसा आपको मूव करना है ऐसा आप इसको मूव भी यहाँ से कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा पकड़ के कोने को और इसको राउंडेड शेप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राउंडेड शेप में चला जाएगा। चलिए, इसके बाद यदि इसको भी मैनेज करना डेटा को, तो आप इसको ऐसे क्लिक करके और ऐसे राउंड और शेप दे सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा हम इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, इसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। इसका कलर आप सेट कर सकते हैं, आउटलाइन कलर यदि आपको सेट करना है, और फिल कलर यहाँ पर यदि आप देना चाहते हैं, अदर कलर आप कोई सा भी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बेटर डिजाइनिंग स्टाइल के लिए हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओवल। इसे हम इसके अंदर रखते हैं। ये देखिए, मैं एक स्टार यहाँ से, या तो आप जैसा चाहें स्टार यदि कम रखना चाहते हैं तो वो आप हटा सकते हैं। अब इसमें भी ये जो है कि फ्रंट में आ गया है। ये देखिए, अभी डेटा छिप रहा है। तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जो है कि इसके पीछे पहुँचा देते हैं। या तो हम यहाँ पे दो तरीके से बैकएंड में भी जा सकते हैं, या इसको कट करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको शेप में लेके आते हैं, और भी इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर टॉप कर में ले जाते हैं, और यहाँ से हल्का सा मूव इसको सेट करते हैं, हल्का सा और हम इसको लेके आते हैं। ये देखिए, अब इसमें अंदर आपको कोई भी लोगो लगाना, कोई फ़ोटो लगाना है, कोई ग्राफिक्स लगाना है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट इसका इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हो जाने के बाद आप इसमें शेप फिल में जा सकते हैं, और इसमें पिक्चर में जाएं। टेक्चुअल वगैरह भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन लोगो है तो हमें कोई पिक्चर हम लेना ज़्यादा समझेंगे, तो हम पिक्चर में जाते हैं, और यहाँ से हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, या तो हम डाउनलोड कर लेंगे कोई भी पिक्चर। अब हमारे पास इस प्रकार का पिक्चर भी नहीं है, पर फिर भी हम जैसे मेरे पास एक लोगो असाइन है, इसमें ये लोगो है, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं MS पेंट के अंतर्गत ओपन कर लेता हूँ। मुझे इसमें से लोगो निकालना है, इसलिए मैं इस प्रोसेस पर जा रहा हूँ। तो अब चलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं, हम अभी इसी लोगों को ले लेते हैं, या फिर आप ज़्यादा बेटर है कि नेट से भी जा करके कोई भी लोगो इंसर्ट कर लीजिए, कोई इमेज इंसर्ट कर लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ ट्री, यहाँ से ट्री में भी हम ट्रांसपेरेंट
शब्द यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली ट्री ले सकते हैं। हम यहाँ पर इस इमेज को सेव डाल देते हैं, ये हमारे पास इमेज सेव हो गया है। अब हम इसके अंतर्गत सेव फील के अंतर्गत पिक्चर्स के अंतर्गत यहाँ से ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आ गया है और इसका आउटलाइन आपको नहीं रखना है तो नो आउटलाइन कर दीजिए। ये देखिए और इसके बाद इस पर कोई भी डेटा ऐड करना है, सेकंड प्रायोरिटी हमारी इसकी आती है। तो हम पहले इस तो इसका कलर मेंशन करते हैं, यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कलर यहाँ पर ले लेते हैं। पैड हमारा है ग्रीन कलर, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर सेव फील्ड में जा कर के इसका लाइट ग्रीन कलर यहाँ पर ले लेते हैं। यदि बैकग्राउंड का भी आप इस प्रकार का रिलेटेड लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, बाकी अभी ये भी ठीक है। चलिए अगला, इस पर शेडो वगैरह भी आप इफेक्टिव डालना चाहते हैं हल्का सा तो वो आप यहाँ पर डाल पाएंगे, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर सेट नहीं करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी डेटा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं, कमिटेड फॉर सक्सेस या फिर जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि लोकेशन उनका यहाँ पर होता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम शाजापुर MP यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मेंशन हो गया। तो इस प्रकार से अब उसमें कंटेंट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस प्रकार का कंटेंट उसमें रखना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप अपनी संस्था का लोगो डिज़ाइन असाइन कर सकते हैं। स्टार्स का जो शेप का डिज़ाइन है इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं हल्का सा, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मैनेज हो सके। ये हम सेट कर देते हैं हल्का सा, मैं इसको ऊपर लेता हूँ और हल्का सा हम इसको इधर की तरफ सेट करते हैं। अब देखेंगे कि एक अच्छा लोगो यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। हमें खासतौर पर और इसको रोचक बनाने के लिए अन्य एप्लीकेशन का सहारा लेना होता है। ये MS वर्ड के माध्यम से जो भी कोरल या अन्य ग्राफिक्स का रुख नहीं करना चाहते और MS वर्ड में कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपने संस्थान का लोगो आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथियों यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ हम अगले वीडियोस में कॉलेज या प्रोजेक्ट का जो है आपका फ्रंट पेज बनाना देखें, किस प्रकार से हम फ्रंट पेज को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।